हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग में वेलकम करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आपका जो अभी एग्जाम होना है 20 नवंबर को हरियाणा कलर्क का, उससे पहले मैं जून से लेकर जो अक्टूबर मंथ है उसकी मैं सारी करंट अफेयर आपके पास प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसी सीरीज में इससे पहले 3 मंथ यानी जून, जुलाई और अगस्त की करंट अफेयर की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, इसीलिए आज की हमारी वीडियो में हम कवर करेंगे जो सितंबर 2016 उसकी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जो कि आपके जो भी 20 नवंबर को एग्जाम होगा उसमें आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस तरह के बटन पर क्लिक कर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी जो ये फैमिली है इसका आप एक मेंबर बन सकते हैं। हर बार की तरह आज की इस वीडियो में भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आंसर देने के बाद आपको हमारी जो एक फ्री ईबुक है जिसमें इंपोर्टेंट 600 इंडिया जीके और हरियाणा जीके के क्वेश्चन कवर किए गए हैं वो आपको फ्री में मिलेगी, जैसे हम हर वीक 5 लकी विनर अनाउंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सितंबर 2016 के करंट अफेयर की वीडियो। सबसे पहली करंट अफेयर, पहले ब्रिक्स फिल्म समारोह का स्थल कहां पर हुआ? तो ये हुआ था नई दिल्ली के अंदर। G20 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? तो ये हुआ था हांगझोउ चाइना में। 2 दिवसीय ब्रिक्स पर्यटन सम्मेलन जो कि 1 सितंबर 2016 से स्टार्ट हुआ वो भारत में कहां से स्टार्ट हुआ यानी कौन सी जगह पर स्टार्ट हुआ? तो वो हुआ था खजुराहो पर। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंक ने जिस कंपनी के साथ हाल ही में स्मार्ट होम सर्विसेज हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया उस कंपनी का नाम है amazon.com जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। भारतीय रेलवे ने जिस प्रकार के यात्रियों के लिए हाल ही में बीमा योजना आरंभ की तो वो की है जो ई टिकट से यात्रा करते हैं उन यात्रियों के लिए। जिसे हाल ही में टेरी यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया उनका नाम है अशोक चावला। जिन्हें अमेरिकी कंपनी ASSYS का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO नियुक्त किया गया उनका नाम है अजय गोपाल। जिन्हें दिल्मा रोसेफ के अपदस्थ यानी उसके हटने पर ब्राजील का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया उनका नाम है मिशेल टेमर जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति बने। वह नदी जिसमें गाद जमने के कारण बिहार में अप्रत्याशित बाढ़ आई उस नदी का नाम है गंगा नदी। केंद्र सरकार द्वारा संचालित उजाला योजना के तहत 2 करोड़ LED बल्ब बांटने वाला देश का कौन सा राज्य बना है जो कि पहला राज्य है? तो वो है गुजरात राज्य जिसने सबसे पहले बांटे हैं। भारत की 100 वर्षीय एथलीट मनकौर ने मास्टर गेम्स में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। भारत का पहला जैव CNG ईंधन संयंत्र का शुभारंभ कौन से शहर में किया गया? तो वो किया गया है पुणे के अंदर। वह प्रख्यात कवि, उपन्यास और लघु कथा लेखक जिनका 31 अगस्त 2016 को निधन हो गया उनका नाम क्या है? कश्मीरी लाल जाकिर। भारतीय सेना के जिस अधिकारी को भारतीय थल सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत। नागर विमानन मंत्रालय ने उड़ान के दौरान सैमसंग कंपनी की जिस स्मार्टफोन को ले जाने पर बैन कर दिया तो उस मोबाइल स्मार्टफोन का नाम है गैलेक्सी नोट 7। जिस अभिनेत्री को समाजवादी पेंशन योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उनका नाम है विद्या बालन। वह भारतीय पहलवान जिसे पद्म भूषण पुरस्कार हेतु नामित किया गया तो उनका नाम है सुशील कुमार। साल 2016 का आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो वो किया गया था लाओस के वियनितियाने पर। देश के पहले द्वीप जिला माजुली, ये पहला द्वीप है, का उपायुक्त किसे नियुक्त किया गया? उनका नाम है पालो गोपाल।
पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में जिस पहाड़ी क्षेत्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ तो वो हुआ है मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश के 26वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। उनका नाम है ओपी कोहली। दुनिया भर में 8 सितंबर 2016 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, यह मनाया जाता है 8 सितंबर को, का विषय क्या था? उसका विषय का नाम था भूतकाल का पाठ, भविष्य का लेखन। यूनिसेफ द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने बच्चे बेघर है, तो वो है 5 करोड़। भारत का वह राज्य जिसमें पहली बार परीक्षा प्रपत्रों को आधार कार्ड के साथ कनेक्ट किया गया, तो वो किया गया है बिहार में। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पैरा ओलंपिक खेल यानी आईपीसी का 2016 का शुभारंभ हुआ। इसमें कितने देशों के खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, तो वो किया था 160 कंट्रीज के प्लेयर्स ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में भारत के जिस विकार या जिस बीमारी से मुक्त घोषित किया, तो वो किया है याज और मातृ शिशु टिटनस से। न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार विश्व में दूसरा सबसे ज्यादा असमानता वाला देश कौन सा है, तो वो है अपना इंडिया। भारतीय टीम ने 9वीं एशियाई वुशु चैंपियनशिप में कुल कितने मेडल जीते, तो वो जीते 9। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की मानद आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया, तो वो किया गया अंजुम चोपड़ा को। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का हाल ही में जिस भारतीय पारंपरिक भाषा में ट्रांसलेशन किया गया, तो वो किया गया है संस्कृत लैंग्वेज में। नई दिल्ली में आयोजित प्रथम ब्रिक्स फिल्म सेरेमनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्राइज किस फिल्म ने जीता, तो वो जीता एक कन्नड लैंग्वेज की फिल्म है थीति। वह भारतीय इंस्टीट्यूट जिसे यूनेस्को कन्फ्यूशियस शिक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो है जन शिक्षण संस्थान। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक केजी जॉर्ज को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला, तो उन्हें मिला है जेसी डेनियल अवार्ड। वह राज्य जिसने बिजू कन्या रत्न योजना स्टार्ट की, तो वो की है ओडिशा राज्य ने। रेलिगियर इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने जिसे अपना सीईओ नियुक्त किया, उनका नाम है सुनील गोदवानी। रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है आयोजित पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के कितने खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया, तो वो किया 19 खिलाड़ियों ने। वह एक्टर जिन्हें फिल्मों में असाधारण उपलब्धियों के लिए मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया, उनका नाम है जैकी चैन। भारत में फर्स्ट टाइम आयोजित कराई गई नोमाद फिल्म फेस्टिवल कहां पर किया आयोजित किया गया, तो वो किया गया था न्यू दिल्ली में। जिन्हें हाल ही में रेलिगियर, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पीछे, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ, तो वो हुआ चाइना में। संपत्ति शोध कंपनी न्यू वर्ल्ड हेल्थ के अनुसार विश्व में सर्वाधिक समानता वाला देश कौन सा है, तो वो है जापान, और असमानता वाला भारत। केरल के एंटी लिकर एंटी ड्रग कैंपन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो वो किया गया है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। जिस भारतीय समाज सेवी को मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिसी फ्रांस द्वारा संत की उपाधि दी गई, तो वो दी गई थी मदर टेरेसा को, जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। जिस व्यक्ति के जन्मदिन पर 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस यानी टीचर डे के रूप में मनाया जाता है, तो वो शख्स का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये एग्जाम में रिपीट हो जाता है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, यानी टीचर डे मनाया जाता है हर साल 5 सितंबर को। हाल ही में G20 काफी चर्चा में रहा, इस संगठन की स्थापना कब हुई, तो G20 की हुई थी 1999 में। ICC द्वारा हाल ही में जारी बल्लेबाजी रैंकिंग में एबी डिविलियर्स शीर्ष पर है, ये कौन से देश की तरफ से खेलते हैं, तो ये खेलते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से। हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर को
मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की मानद आजीवन सदस्य से सम्मानित किया गया, तो ये जहीर खान को भी किया गया है। इटालियन ग्रां प्री 2016 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है निको रोसबर्ग ने। हाल ही में जिस भारतीय निशानेबाज ने संन्यास लेने की घोषणा की, तो ये की है अभिनव बिंद्रा ने। भारत के नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर के लिए किसे नामित किया गया, उनका नाम है किरण मजूमदार शाह। जिसे दोबारा भारत में नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया, उनका नाम है दीप कुमार उपाध्याय। हाल ही में जिसे भारतीय चिकित्सा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है के अग्रवाल। इस्लाम क्रीमेव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन से देश के राष्ट्रपति थे, तो वो थे उज्बेकिस्तान के। गुटनिरपेक्ष देशों का 17वां शिखर सम्मेलन सितंबर 2016 में किस देश में आयोजित किया गया, तो वो किया गया था वेनेजुएला में। साल 2016 में अब तक आए सबसे शक्तिशाली चक्रवात जिसने ताइवान में काफी तबाही मचाई, उस तूफान का नाम क्या है, मेरेटाई। भारतीय मूल के उस विज्ञानी को जिसे लेमेंसन एमआईटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम है रमेश रसकर। हाल ही में डॉक्टर विश्वनाथ भारती को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उन्हें किया गया भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित। 100% घरों को बिजली उपलब्ध कराने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है, तो वो बना है आंध्र प्रदेश, और पहला बना था हरियाणा 1970 में। वह हॉकी टीम जिसने पहली बार एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट जीता, तो वो जीता है भारतीय रेल हॉकी टीम ने। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की यानी हरियाणा की पत्रिका को राजभाषा कृति पुरस्कार योजना के अंतर्गत फर्स्ट प्राइज प्रदान किया गया, इस पत्रिका का नाम क्या है, तो इस पत्रिका का नाम है जल चेतना। ये हरियाणा करंट अफेयर के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ताइवान द्वीप के दक्षिणी सिरे पर हाल ही में साल का सबसे शक्तिशाली तूफान आया, इस तूफान का नाम क्या था, मेरांटी। वह टीम जिसने साल 2016 का दलीप ट्रॉफी मुकाबला जीता, उस टीम का नाम है इंडिया ब्लू। वह देश जिसमें विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन नेटवर्क स्थापित किया गया, तो वो किया गया है चाइना में 20,000 किलोमीटर। जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के शुभंकर के रूप में चयनित किया गया, उनका नाम है कुंवर बाई। पुस्तक द गर्ल्स लेख की राइटर कौन है, तो उनका नाम है एमा क्लीन। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जिस प्रदेश में प्रथम प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, तो वो किया है अरुणाचल प्रदेश में। ये है आज की हमारी इस वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द वीडियो कि जो मिशन इंद्रधनुष योजना जो हरियाणा में स्टार्ट हुई थी, ये कब स्टार्ट हुई। अगर आप इसका राइट आंसर देते हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कल संडे है और कल हम पीछे पूरा वीक जो गया है उसके 5 लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे वीडियो के थ्रू, जिन्हें हमारी जो एक फ्री ई बुक है वो उन्हें प्राइज के रूप में मिलेगी। उस महिला का नाम जिसे फॉर्च्यून सूची में अमेरिका से बाहर दूसरी सबसे शक्तिशाली महिला घोषित किया गया, तो उसका नाम है अरुंधति भट्टाचार्य। भारतीय पैरालंपिक महिला एथलीट दीपा मलिक को कौन सी प्रदेश की सरकार ने 4 करोड़ रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की, तो वो की है हरियाणा की। हाल ही में जिसने पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनकर नया खेल इतिहास बनाया, उनका नाम भी क्या है, दीपा मलिक। अमेरिका के जिस एयरपोर्ट को लगातार 18वीं बार विश्व का सबसे बिजी एयरपोर्ट चुना गया, तो उसका नाम है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सिंडिकेट बैंक के निदेशक हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है जयंत पुरुषोत्तम गोखले। दिल्ली सरकार द्वारा डॉक्टरों की जो रिटायरमेंट आयु है वो कितनी कर दी है, वो कर दी है 65। भारतीय उद्योगपति जिन्हें क्लिंटन ग्लोबल सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम है आदि गोदरेज। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग के नवीनतम सूचकांक में
वह यूनिवर्सिटी जो विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालय की सूची में फर्स्ट नंबर पर है तो वो है ऑक्सफोर्ड। हाल ही में अमेरिका में जिसे भारत के राजदूत नियुक्त किया गया उनका नाम है नवतेज सरना। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सूची में 100 अमीरों में भारत की कितनी महिलाएं शामिल है तो भारत की 4 महिलाएं शामिल है। साल 2016 के राइट लाइव लीहुड अवार्ड्स में पहली बार किस देश की संस्था को मानवीय कार्यों के कारण सम्मानित किया गया तो वो किया गया सीरिया को। भारतीय महिला हॉकी टीम की जिस कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की तो उनका नाम है रितु रानी। जिस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को विस्डन ने भारत की ऑल टाइम टेस्ट 11 का कप्तान नियुक्त किया गया तो उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में जिस टीम ने रेलवे को हरा अब्दुल्ला खां कप जीता उनका नाम है BPCL। वह दो नदियां जिन्हें आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई तो वो दो नदियां हैं केन और बेतवा। हाल ही में जिसने सिंगापुर ग्रां प्री 2016 का खिताब जीता तो उनका नाम है निको रोसबर्ग। मोनिका कपिल मोहता को जिस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया तो इन्हें नियुक्त किया गया है स्वीडन के अंदर। इंदिरा आवास योजना का जो नया नाम दिया गया है या उसका नाम जो चेंज किया है तो इंदिरा आवास योजना का अब नया नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। BCCI ने जिसको चयन समिति का चेयरमैन नियुक्त किया उनका नाम है वेंकटेश प्रसाद। हाल ही में जिसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया उनका नाम है अलका सिरोही। वह देश जहां पहला भारतीय संगीत नृत्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ तो वो हुआ ऑस्ट्रेलिया में। जिन्हें हाल ही में भारत के लिए विश्व बैंक का निदेशक नियुक्त किया गया तो उनका नाम है जुनेद अहमद। भारतीय आर्थिक सूचकांक 2016 में विश्व आर्थिक सूचकांक 2016 में भारत का स्थान कौन सा है तो भारत का है 112। हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ के लिए जो पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के लिए मिलता है जिनका हाल ही में न्यूयॉर्क में निधन हो गया उनका नाम क्या है एडवर्ड एल्बी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में जिस क्षेत्र को राज्य का 22वां जिला घोषित किया तो वो क्या है चरखी दादरी जो कि भिवानी से अलग होकर हरियाणा का 22वां राज्य जिला बना है। रियो पैरा ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में दौरान 2020 के खेलों हेतु ध्वज कौन से शहर को सौंपा गया तो वो संभाला गया है टोक्यो देश को। जिस राज्य ने हाल ही में नरोप्पा फेस्टिवल बनाया तो वो बनाया जम्मू एंड कश्मीर में। जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया उनका नाम है नादिया मुराद। जिस भारतीय क्रिकेट ऑलराउंडर को यूपी रणजी टीम का कप्तान बनाया गया उनका नाम है सुरेश रैना। हाल ही में जिसको PTI का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया जो कि मनोरमा प्रबंधन के सदस्य भी है उनका नाम है रियाद मैथ्यू। न्यू वर्ल्ड वेल्थ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के जिस शहर को देश का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया तो वो किया गया है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को। लता मंगेशकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को हाल ही में जिस संगीतकार को दिया गया तो उनका नाम है उत्तम सिंह को। भारत के दृष्टिकोण से विश्व में व्यापार हेतु सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा किस देश को दिया गया तो वो दिया गया है पाकिस्तान को। हाल ही में भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है तो वो किया गया है विजय कैलकर को। सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान हेतु मीडिया प्रचार अभियान का शुभारंभ किया प्रचार में किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो वो बनाया गया अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ग्रीन पार्क में खेले गए भारत के 500वें टेस्ट मैच का मैन ऑफ द मैच किसे मिला तो वो मिला रविंद्र जडेजा को जो कि भारत का 500 टेस्ट मैच था जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में कौन से स्टेडियम में ग्रीन पार्क में खेला गया।
भारतीय क्रिकेट इतिहास, ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है मैंने, ग्रीन पार्क कानपुर में खेला गया। साल 2017 में आयोजित होने वाले 89वें यानी 89वें ओस्कर पुरस्कार समारोह के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए कौन सी फिल्म का चुनाव किया गया, तो वो किया गया है विशन राइट, जो कि तमिल लैंग्वेज में। हाल ही में गूगल ने अपने सबसे नवीनतम स्मार्ट मैसेजिंग ऐप को विश्व भर में लॉन्च कर दिया, इस ऐप का नाम क्या है, एलो। हाल ही में जिसे मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष चयनित किया गया, तो उनका नाम क्या है, स्पाइस जेट के अजय सिंह। तो ये थी आज की हमारी सितंबर 2016 के करंट अफेयर को कवर की हुई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सुझाव हो हमारे लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को अदर स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना ज्यादा शेयर करते हैं हमारी खुद की उतनी ज्यादा इंक्रीज होती है। अक्टूबर 2016 की जो करंट अफेयर की वीडियो है वो मैं कोशिश करूंगा, वो मैं तभी अपलोड करूंगा जब आपका मुझे इस वीडियो को लेकर रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी आप कमेंट करते हो उस वीडियो को बनाने के लिए, तभी वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा। क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा कि आपको हमारी इस करंट अफेयर की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है इससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।